waste your time. Yes, don't waste your time. Just go and watch the fucking Batman. Batman movie का अच्छा experience लेना तो भाई आपके नजदीकी IMAX में जाके देखो, मजा आ जाएगा. फिलहाल मैंने इंग्लिश में देखा, हिंदी डब का मुझे पता नहीं. और ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि बैटमैन के फैन हमारे इंडिया में कितने हैं. ये उन बैटमैन की मूवीज में से है कि जो हम एज अ फैंस चाहते थे इतने सालों से. ये वो बैटमैन है जिसको हम लोग पर्दे पर देखना चाहते थे इतने सालों से. हालांकि क्रिस्टियन बेल और बेन एफ्लिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों ने अपने ही तरह से बैटमैन को प्ले करा था. लेकिन जिस तरह से रॉबर्ट पैटिनसन ने यहाँ पर बैटमैन को प्ले करा, या आप लोग कह सकते हो जिस तरह से मैट रीव्स ने यहाँ पर बैटमैन को हमें पर्दे पर दिखाया, यही तो हम लोग चाहते थे इतने सालों से. खैर मूवी की कहानी बता दूँ तो कहानी शुरू होती है रिडलर से, जो कि हमारी इस मूवी का विलन है. वो कर देता है एक मर्डर, और मर्डर करने के बाद छोड़ देता है एक क्लू, और वो क्लू सॉल्व करना है बैटमैन को. फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी. मूवी की सबसे मेन जान है BGM. इस मूवी के BGM को BGM ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाएगा तो फिर वो गलत नहीं होगा. उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट से लेकर एंड तक दे हैव शूट ईच एवरी सीन परफेक्ट, किसी ट्रीट से कम है नहीं. और सिनेमेटोग्राफी का जिक्र हुआ तो भाई इसके एक्शन सीन की बात करूँ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करूँ, धाप 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 भाई एक मोमेंट ऐसा था कि यार मैं खुद सोचा था कि यार उसी की तरह ना गजब हैंड टू हैंड कॉम्बैट आपने बैटमैन को इससे पहले करते हुए नहीं देखा होगा. और जो चेजिंग सीक्वेंस है भाई, गूज़बम्प्स. और इन सारे एक्शन सीक्वेंस में जो BGM डाला है, जैसे कि मैंने BGM की पहले तारीफ करके इसके BGM ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल जाएगा तो गलत है नहीं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके BGM आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लिटरली पूरा सर से पाँव तक हिला कर रख देगा यार. कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर आपको बैटमैन की बात करो तो इसका ओरिजिन नहीं बताया, मतलब वही सारी चीज़ जो हमने इससे पहले कई बार देख चुके वो यहाँ पर रिपीट नहीं किया. यहाँ पर बस टू द पॉइंट बैटमैन को लाके खड़ा करा है. और उसके वो जो डिटेक्टिव वाली एबिलिटी है उसको इतनी अच्छी तरह से निखार है इस मूवी में कि क्या ही कहने. यहाँ पर रिडलर की बात करो तो देखो उसको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन उस कैरेक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया इस पूरी मूवी में, आप फैन बन जाओगे भाई. और पेंगुइन की बात करो तो यार इतनी डार्क मूवी होने के बावजूद भी वो जो आपको थोड़ा वो कॉमेडी लगती है ना, वो पेंगुइन की वजह से लगती है. उसके अलावा कैट मून का यहाँ पर बाइक सेक्शुअल बताया है, लेकिन वो खुल के नहीं बताया, लेकिन एज अ आप लोग समझ सकते हो. और अब ये मॉडर्न जमाना तो ये अगर वो उस कैरेक्टर को लेके अगर वो लोग खुल के सामने भी आ रहा है तो वो गलत नहीं मेरे हिसाब से. और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से आप लोग एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत इमोशनल आपको कहीं ना कहीं फील तो जरूर होगा. जो दूसरे जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स सब आपका दिल जीत लेंगे. एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई रॉबर्ट पैटिनसन को मैं हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर मूवी से देख रहा हूँ, और वहाँ पर वो एक यंग लड़के का रोल प्ले किया और आज इतना मैच्योर रोल वो इतनी अच्छी तरह से प्ले कर रहा है. ये बताता है कि वो अब इतने सालों में एज एन एक्टर कितना निखर के आया. और जिस तरह से रॉबर्ट पैटिनसन यहाँ पर चल रहे थे, पहला सीन है इतना डरावना लग रहा था भाई कि वो गुंडों के साथ साथ एज एन ऑडियंस आपकी भी फटेगी. मतलब इतना कामली आ रहा, और आने के बाद यार थपा था वो सीन, पहला सीन, और ऐसा लगता है कि आपकी टिकट के पैसे वसूल. पॉल डैनो एंड कॉलिन फेरेल ने अपने रोल को जिस तरह से निभाया है आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है. जेफरी वाइट बहुत अच्छे लगते हैं, एंडी सर्किस अपने रोल बहुत अच्छे लगते हैं, जियो एस कैट मूवमेंट बहुत अच्छी लगती है. यानी कि ये उन मूवीज में से है कि जिनमें हर एक एक्टर अपने कैरेक्टर को एकदम जस्टिस करते हुए नजर आता है. और इस मूवी को अगर आप लोग मास्टरपीस बोलोगे तो वो बेईमानी नहीं होगा. मेरे हिसाब से ये मूवी ईच एंड एवरी वन को जाके देखना चाहिए जो बैटमैन का बहुत ही डाई हार्ट फैन है. और जो फैन नहीं भी है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई MCU की वो बच्चे वाली मूवी है और DC की ये एडल्ट मूवी. देखो यार हालांकि ये PG-13 है, लेकिन एक अलग ही लेवल की PG-13 है भाई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था. हालांकि इसमें वैसा वायलेंस नहीं जैसा एक एडल्ट मूवी में होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वाइब्स है जो आपको कंटिन्यू बिठा के रखती है. 3 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी साला 1 सेकंड भी आप बोर हो जाओ तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना. आप ज़्यादा पकाते हैं नहीं, जाओ मूवी को देखो, बिंदास देखो. और एक बार देखने से आपका दिल नहीं भरेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ. कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को जरूर देखोगे. हिंदी डब कैसा है वो देखने लायक होगा तो वो भी देखेंगे और उस पर भी अपना ओपिनियन जरूर देंगे. मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10. अगर मेरे पास 20 होता तो मैं 20 भी दे देता, क्योंकि सीरियसली दिस इज वन काइंड ऑफ अ मूवी जो एज अ फैन वी ऑल वॉन्टेड. पैरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा, मूवी में अश्लील जैसा एडल्ट सीन तो कुछ नहीं, हाँ बस किसिंग सीन है वो भी एंड एंड में, ज्यादा कुछ नहीं. और हाँ जोकर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.